शिकायतें की गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज उन लोगों को ये भी तो पता चले कि लोग ये दूसरा चरण है, कल से हम तीसरा चरण शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ आंदोलन पे बैठेंगे, आमरण अनशन की आवश्यकता हुई वो भी करेंगे, नेताओं का घेराव करेंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे, ये भी करेंगे, क्योंकि सड़क तो बननी है, ये बनवाए चाहे कोई बनवाए। मैं ग्राम प्रधान मंदरवा, मैं अपने गांव के सभी लोग जितने भी रोड पे हैं, सभी लोग बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, कोई भी अगर बीमार हो जाए तो बीमार उसकी दिक्कत होती है बहुत बड़ी, कई लोग ऐसे हादसा हो गए रोड पे जिससे बहुत बड़ी समस्या। हम लोग चुनाव में बहिष्कार भी करेंगे 19 के चुनाव में, सभी जनता। सर, ग्राम पचौड़ा की सड़क पिछले 5-6 सालों से बेकार पड़ी है, सर इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जिले में सड़कों पर बहुत काम हुआ है, करीब लास्ट ईयर करीब 300 करोड़ से अधिक की समझे नहीं हो, और इससे पहले काफ़ी हालत बड़ी ख़राब थी, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत से बड़े बड़े रोड बनाए गए हैं, और ये रोड भी इसका भी प्रस्ताव गया है, जैसे ही सड़कों से अमल हो जाएगा इस निर्माण का।